नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज गुजरवार ट्राइब में। यहाँ है आपके लिए एक और नई वीडियो। सामने आप देख रहे हैं अपने और न्यू सुजुकी ग्रैंड विटारा, काफ़ी बेहतरीन लुक एंड फीचर ऑफर करती है कार आपको काफ़ी अच्छी खासी प्राइस ब्रैकेट में। सामने आप देख पा रहे हैं इसका फ्रंट फेस, काफ़ी बेहतरीन लुक आपको ऑफर करती है। 3 पॉड आपको DRL मिल जाती हैं ऊपर, और इसी लाइनअप की आपको पीछे कनेक्टिंग टेल लाइट मिलती हैं, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। पहले आप इसका एक व्यू देखिए, ये कुछ इस तरीके का इसका आपको प्रोफाइल मिल जाता है। ये आपकी 4.5 मीटर लेंथ के साथ आती है गाड़ी। टोटल लेंथ इसमें आपको 4345 की एमएम की मिलती है। काफ़ी बेहतरीन आपको रोड प्रेजेंस ऑफर करती है ग्रैंड विटारा, और काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं बेस मॉडल से ही। ये आपका सेकेंड बेस मॉडल है CNG में, पेट्रोल इंजन के साथ 1.5 लीटर, जो आपका 83 से 87 BHP ऑफर करती है और 121 Nm का टॉर्क। फ्रंट में कुछ इस तरीके की आपको क्रोम ग्रिल मिल जाती है, पियानो ब्लैक में नीचे बड़ी आपको ग्रिल मिलती है, सेंटर में सुजुकी का लोगो देख पा रहे हैं आप। ये कुछ बेहतरीन इस तरीके की आपको इसमें फ्रंट प्रोफाइल मिल जाती है। ये प्यारे से आपको 3 डॉट DRL मिलती हैं, और यही आपका इंडिकेटर में वर्क करते हैं। नीचे की तरफ सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट मिल जाती है आपको हलोजन में। टॉप मॉडल में आपको LED लाइट मिलेंगी, लेकिन उसमें आपको CNG वेरिएंट नहीं मिलेगा। आज हम आपके लिए लाए हैं CNG वेरिएंट, जो आपका काफ़ी वैल्यू फॉर मनी और काफ़ी बेहतरीन आपको माइलेज ऑफर करती है गाड़ी। तो ये आपका कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक मिल जाता है, काफ़ी मस्कुलर और काफ़ी बल्कि लुक, और बहुत ही बेहतरीन एरोडाइनमिक्स मिल जाते हैं गाड़ी के, जिससे इसकी एवरेज और अच्छी हो जाती है। लेंथ अच्छी होने के कारण इसमें बहुत ही बेहतरीन आपको इंटीरियर स्पेस मिलता है, उसको अभी आगे देखेंगे चल के। व्हील बेस इसका 2600 mm का मिल जाता है आपको, हाइट मिल जाती है 1645 mm की। ये कुछ 210 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है गाड़ी, जो आपका बहुत ही बढ़िया ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी वाली कार्स में होता है। 200 और प्लस आपका ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलता है आपको, इसमें 210 mm दिया हुआ है। इसमें ऑल ग्रिप मॉडल भी आता है, जो आपका 4x4 का ही काम करता है। स्टील रिम मिलेंगे आपको इसमें चारों, फ्रंट वेंटिलेटेड डिस्क मिलेंगी, 215/60/R17 सेक्शन का आपको इसमें टायर मिल जाएगा, 17 इंच का ही आपको इसमें बेस वेरिएंट से आपको स्टील व्हील मिलेंगे। टॉप मॉडल में अलॉय मिल जाते हैं। ये इसके व्हील के सस्पेंशन देख पा रहे हैं, ट्रैवल अच्छा खासा मिलता है सस्पेंशन का। फ्रंट में मैक पर्शियन स्टड मिल जाते हैं विद कॉइल स्प्रिंग। साइड बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है अच्छी खासी, काफ़ी यूज मिरर मिलता है विद टर्न इंडिकेटर, बहुत ही स्लिक सा इंडिकेटर मिल जाता है टर्न वाला आपको इसमें। विंडो ग्लास एरिया भी काफ़ी बेहतरीन मिलता है गाड़ी में। बेस मॉडल से ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, यानी आपको कीलेस एंट्री मिलती है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है गाड़ी में बेस मॉडल से। क्वार्टर ग्लास पैनल मिल जाता है आपका काफ़ी अच्छा खासा। ये कुछ आपको ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिलता है, और ये आपको कुछ सिल्वर कलर में, शाइनी सिल्वर में ट्रीटमेंट मिल जाता है। 45 लीटर का आपको फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। रियर में भी आपको 4 डिस्क ब्रेक मिलती हैं बेस मॉडल से ही। ये आप देखिए, इसका काफ़ी प्यारा और बेहतरीन लुक ऑफर करती है रियर से ग्रैंड विटारा। कनेक्टिंग DRL मिल जाती है, काफ़ी प्यारा एकदम क्लासिक लुक मिलता है आपको। देख पा रहे हैं आप काफ़ी मस्त रोड प्रेजेंस तो काफ़ी बेहतरीन है ग्रैंड विटारा की, प्लस ये आपका एवरेज भी काफ़ी बेहतरीन देती है। और अब ये CNG में भी आने लगी है, तो और अच्छी बात हो जाती है। ये आपका CNG मॉडल है, अभी दिखाएंगे हम इसका CNG का सिलेंडर कहाँ फिटिंग करा हुआ है कंपनी ने। पीछे बेहतरीन आपको टॉप मॉडल की तरह कनेक्टेड DRL मिल जाती है, वही ग्रैंड विटारा लिखा हुआ मिलता है। रियर में बैक कैमरा भी मिलता है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। 3 पॉड DRL मिल जाती है पीछे की टेल लाइट में, जो रात में ग्लो करते हुए काफ़ी बेहतरीन लगती है। नीचे आपको ये टर्न इंडिकेटर और रिवर पार्किंग बल्ब मिल जाता है विथ रिफ्लेक्टर। ये इसका कैमरे की प्लेसिंग मिल जाती है, नंबर प्लेट लाइट मिल जाती है हलोजन में। ये आपका डेल्टा मॉडल है सेकंड बेस, इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं। जैसे आपने देख रहे हैं, चारों आपको डिस्क ब्रेक मिलती हैं, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं गई करी है कंपनी ने बेस मॉडल्स में।
अभी आप इसकी ऑन रोड कीमत जान के भी हैरान हो जाएंगे। 13 लाख एक शोरूम से तो इसकी कीमत शुरू होती है। बॉडी कलर में आपको डोर हैंडल मिलते हैं, डिफॉगर मिल जाते हैं, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। वाइपर इसमें नहीं मिलेगा, इसके ऊपर वाले मॉडल्स में वाइपर ऑफर किया जाता है। और ये जो आप फ़िलहाल कलर देख रहे हैं इसको कहते हैं चेस्टनट ब्राउन। 7 कलर और ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। डोर पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं, ड्राइवर को ड्राइवर साइड। ये आप इसका इंटीरियर देख पा रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन आपको केबिन मिल जाता है। डुअल आपको टोन इंटीरियर मिलेगा, ये आपका ब्राउन प्लास्टिक पेंट मिल जाएगा। हैंड रेस्ट पे थोड़ा आपको फैब्रिक मिलेगा। चारों पावर विंडो कंट्रोल और आपका मिरर कंट्रोल मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली मिरर मिलेगा टोटल आपको। सर्वस सेंटर सिल्वर फिनिश मिल जाएगी, बॉटल होल्डर मिल जाएगा, स्पीकर मिल जाएगा आपको। ये इसके टायर की इंफॉर्मेशन दी गई है। मैनुअली हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिलेगी आपको। सभी फ़ीचर दे दिए गए हैं सेकंड बेस मॉडल से। एक्चुअली आपको बेस मॉडल से ही काफ़ी सारे फ़ीचर दिए गए हैं जो स्टैंडर्ड है इसके। चारों डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं आपको, 17 इंच के अलॉय मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल अच्छी खासी दी गई है, ये आप इसका डैशबोर्ड देख पा रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन प्रीमियम लुक ऑफर करती है। ब्राउन और ब्लैक कलर में कॉम्बिनेशन में फैब्रिक सीट्स मिल जाती हैं आपको। चारों हेडरेस्ट मिल जाते हैं, काफ़ी बकेट टाइप की सीट मिलेगी। हाइट एडजस्टेबल आपको सीट्स मिलती हैं, डिक्लाइन एंगल और हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसके स्टैंडर्ड पेडल आ जाते हैं। हेडलाइट लेवलर, स्टार्ट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। ये भी काफ़ी आपका बेस मॉडल से फीचर ऑफर किया गया है एक मारुति की तरफ से। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है गाड़ी में, क्रूज़ कंट्रोल ऑफर किया गया है। मतलब आपको भर भर के फीचर दिए गए हैं मारुति की तरफ से बेस मॉडल्स में, की इस तरीके की मिलती है लॉक अनलॉक बटन के साथ। बेस मॉडल से ही आपको सेंट्रल लॉकिंग, ABS, ABD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट जैसे काफ़ी बेहतरीन फ़ीचर मिल जाते हैं। बेस मॉडल्स में आपको 2 एयरबैग ऑफ़र किए गए हैं। ये कुछ सिल्वर फिनिश मिल जाती है, सर्कुलर आपको स्टेयरिंग मिलता है। कॉल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लेफ़्ट साइड पे मीडिया कंट्रोल्स, राइट साइड में क्रूज़ कंट्रोल। और ये आपको एनालॉग इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल दिया गया है। सुजुकी का लोगो मिल जाता है। एज यूजुअल आपको स्टेयरिंग मिलेगा, इसे चेंज करना चाहिए मारुति को ज़रूर, नया स्टेयरिंग लाना चाहिए। प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी खासी मिल जाती है आपको, हार्ड प्लास्टिक मिलेगा आपको। 8 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन मिल जाएगी कनेक्टेड कार फीचर के साथ, एंड्रॉयड ऑटो एप्पर कार प्ले जैसे। ये आप इसका 3.5 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख पा रहे हैं सेंटर में, जो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। स्टॉगल से आप इसको चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। अभी आपको लो फ्यूल वार्निंग दिखा रहा है। काफ़ी रिफाइंड इंजन मिलता है आपको, 3 सिलेंडर होने के बाद भी काफ़ी अच्छा खासा रिफाइनमेंट मिल जाता है इंजन में। पावर भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, पावर की कोई कमी नहीं लगने वाली है। राइट साइड में इसके हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिलते हैं, लेफ़्ट साइड में वाइपर्स कंट्रोल मिल जाते हैं। सेंटर में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन मिल जाती है 7.8 इंच की। काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, ऑप्शंस मिल जाते हैं। टच रिस्पॉन्स अच्छा खासा मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और काफ़ी सारे वॉइस कमांड जैसे फीचर भी आपको ऑफर करती है कार। ये सब आपको मिल रहा है सेकंड बेस मॉडल में। डेल्टा मॉडल है आपका ये, 1.5 लीटर CNG पेट्रोल इंजन के साथ। ये कुछ इस तरीके की डिज़ाइनिंग मिलती है सेंटर कंसोल में आपको। नीचे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाती है, काफ़ी अच्छे खासे टॉगल स्विचेस क्वालिटी दी गई है आपको। कूलिंग काफ़ी इफेक्टिव मिलती है आपको मारुति कार्स में। ये सभी आपको सिस्टम के बटन्स मिल जाते हैं AC के। नीचे ट्रैक्शन ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। यहाँ पर ट्रैक्शन ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है।
और ये आपका फ्यूल पेट्रोल से सीएनजी कन्वर्ट करने का। 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और एक यूएसबी सॉकेट मिलेगा और नीचे कुछ स्पेस मिल जाएगा आपको। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, ये आपको नॉर्मल गियर लीवर मिलेगा। हैंड ब्रेक मिल जाता है, टू कप होल्डर, आर्मरेस्ट मिल जाता है आपको, स्लाइडेबल, काफ़ी अच्छी खासी चौड़ाई है। ये आप देख पा रहे हैं ब्राउन कलर में प्रिंटेड प्लास्टिक पार्ट मिलता है, ऊपर सिल्वर टोन मिल जाती है। ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है डिसेंट स्पेस के साथ। IRVM आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलेगा डे नाइट वाला। हेलोजन में आपको कैबिन लाइट मिल जाती है विथ माइक। कोवेनिटी मिरर मिल जाता है पैसेंजर साइड। ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड भी आपको मिरर के साथ मिलेगा सन होल्डर। कुछ इस तरीके का आपको फ्रंट सेंटर कंसोल मिल जाता है, काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी मिल जाती है इंटीरियर में भी। ये आप रियर कैमरे की क्वालिटी देख पा रहे हैं, बैक गियर इंगेज करते ही आपको कैमरा ओपन हो जाता है, काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी मिल जाती है एडेप्टिव गाइडलाइन के साथ। चलते हैं पीछे की तरफ, देखते हैं रियर स्पेस को। रियर में भी काफ़ी अच्छा खासा आपको डुअल टोन में डोर थीम मिल जाती है। आर्मरेस्ट पे फैब्रिक की पैडिंग मिलेगी आपको। विंडो कंट्रोल्स मिल जाएगा आपको। डोर ओपनर आपको क्रोम में दिया गया है, काफ़ी अच्छा खासा है, प्रीमियम क्वालिटी। 1 लीटर बॉटल स्पेस विथ स्पीकर। 6 स्पीकर सिस्टम मिल जाता है आपको इस मॉडल में। टॉप मॉडल में 8 स्पीकर सिस्टम मिलेगा। फैब्रिक की सीट्स मिलती हैं पूरी। रियर में आपको तीनों हेडरेस्ट दिए हुए हैं मिडिल वाले पैसेंजर के लिए भी, और आइसोफिक्स सीट्स मिलती हैं 60-40 स्प्लिट के साथ। और ये आप देखिए पीछे आपको पार्सल ट्रे भी ऑफर की गई है। ये आपका सिलेंडर लगा हुआ है बिल्कुल सीटों के पीछे, यानी बूट में ही सिलेंडर को प्लेस किया गया है काफ़ी अच्छी तरीके से। पीछे से चेक करेंगे उसको, बैठते हैं अंदर की तरफ, चेक करते हैं लेग रूम को। ये आप देख पा रहे हैं काफ़ी बेहतरीन लेग रूम और थाई सपोर्ट मिल रहा है मेरे को। मेरी 5'7" हाइट है, तो आपका 5 फीट 6 फीट वाले बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे वाली सीट की बेल्ट आपको एडजस्टेबल मिलती हैं। ये कुछ आपको ग्रैब हैंडल लाइट मिल जाती है। ये आप डैशबोर्ड का लुक देख पा रहे हैं रियर से, काफ़ी प्रीमियम लुक ऑफर करती है गाड़ी। रियर में आपको एसी वेंट्स भी दिए हुए हैं, पीछे वाले पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे दो आपको चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं यूएसबी और एक टाइप सी वाला। नीचे कुछ स्पेस मिल जाता है, ये आप देख पा रहे हैं टाइप सी और आपको टाइप ए वाला आपको चार्जिंग सॉकेट दिए हुए हैं। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं फैब्रिक की। ये आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है विथ 2 कप होल्डर। ये आपको सेंटर वाले पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट भी ऑफर की गई है ग्रैंड विटारा में, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। ये आपको कैबिन लाइट मिल जाती है रियर में दोनों साइड पर। ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं एडजस्टेबल, काफ़ी बेहतरीन आपको इंटीरियर स्पेस मिल जाता है कार में। एरी कैबिन काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। गाड़ी की चौड़ाई और लेंथ अच्छे होने के कारण इंटीरियर स्पेस काफ़ी बेहतरीन है कार का। नमस्कार जी, बूट चेक कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का आपको बूट मिलेगा। सिलेंडर को वेल कवर किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, आप देख नहीं सकते, इसमें सिलेंडर भी लगा हुआ है, काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है। पार्शल ट्रे मिल जाती है, 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलती हैं। ये इसकी टूल किट मिल जाती है, स्पेयर व्हील आपको इसके नीचे मिलेगा गाड़ी के। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है बूट में भी, और एक लाइट मिल जाती है हलोजन में। 373 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। यह आपका 14 किलो का CNG का सिलेंडर मिल जाता है, जो 8 से 9 KG कैपेसिटी रखती है। काफ़ी वेल कवर्ड और वेल फिटिंग के साथ आपको मिलेगा। साइडों में कुछ स्पेस मिल जाता है बूट में, तो काफ़ी बेहतरीन आपको इसमें स्पेस मिल जाता है बूट में 373 लीटर का। तो ये एक आपकी बेहतरीन 5 सीटर फैमिली कार बन जाती है, जिसमें आप एक लॉन्ग ट्रिप पर भी अपनी फैमिली के साथ काफ़ी लगेज रख के भी ले जा सकते हैं गाड़ी में, और लोकल में भी काफ़ी बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं कार का, क्योंकि इसका एवरेज आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है।
एवरेज आपकी ये क्लेम करती है 21 से 22 किलोमीटर पर लीटर, और 24 से 25 आपको हाईवे पे निकाल के देती है। अब इसका आपको एक बार इंजन चेक करा देते हैं। अभी हम खड़े हुए हैं हरिद्वार नेक्सा शोरूम पर। शोरूम की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और कार की बाकी सभी डिटेल्स भी। ये आपको हरिद्वार में पड़ जाती है 15,30,000 ऑन रोड, ये वाला मॉडल आपका। ये खड़ा है हमारे पास चेस्टनट ब्राउन कलर में। इसमें आपको ग्रैंडियर ग्रे, ओपोनियंट रेड, स्प्लेंडेड सिल्वर और आपका आर्कटिक वाइट मिल जाता है। ये कुछ इस तरह का इंजन भी आपको देख पा रहे हैं आप। काफ़ी अच्छी खासी आपको पैडिंग मिल जाती है बोनट पर। तो ये था आपका ग्रैंड विटारा CNG मॉडल का वॉक अराउंड डिटेल रिव्यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।